ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3712। मॉर्निंग क्लास डेटेड 28/11/1968। क्लैरिफिकेशन डेट 24/8/2021। रात का क्लास चल रहा था 28/11/1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 28/11/1968 वॉज इन प्रोग्रेस। गुरुवार को तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। ऑन थर्सडे वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड पेज। कि बाप तो रोज कहते हैं कि बरोबर तुम बच्चे बंदर बुद्धि के। द फादर सेज डेली दैट ट्रूली यू चिल्ड्रन वर दोस विद अ मंकी लाइक इंटेलेक्ट। तो बस सो दैट्स इट। तुम ही तो मक्खन खाते हो ना। इन बिल्लों का। इट इज यू हु ईट बटर ऑफ दीज कैट्स डोंट यू। जबकि तुम देवताएं जैसे बनते हो। However, you become like the deities. बंदर से मंदिर लायक बनते हो ना। You become worthy of being worshipped in temples from monkeys, don't you? तो बाप आकर के समझाते। So the father comes and explains. जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है या ये गाते हैं। वॉट एवर इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स और वॉट एवर दे प्रेस। तो ये बरोबर बाबा ने समझाया ना। द फादर हैज सर्टेनली एक्सप्लेन्ड हैजंट ही। सेना भी बरोबर है बंदरों की। जिस बंदरों की सेना से रावण राज्य को हराते हैं। ट्रूली देयर इज द आर्मी ऑफ मंकीज थ्रू विच यू डिफीट द किंगडम ऑफ रावण। ठीक है ना बच्चे। इट इज ऑल राइट इजंट इट चिल्ड्रन। तो राम की सेना। सो दैट इज द आर्मी ऑफ राम। अब राम या रामचंद्र को तो नहीं कहेंगे ना। वेल इट वोंट बी सेट फॉर राम और रामचंद्र विल इट। राम फिर भी यहाँ कह देंगे बाप को। हियर राम विल बी कॉल्ड द फादर। तो वो भी कहते हैं कि देखो हमने ये सेना कौन सी ली है। सो ही टू सेज लुक हूज आर्मी आई हैव टेकन। इनके समय वो देवता बनाए करके और असुरों का राज्य का विनाश कराते। ही मेक्स देम इनटू डेटीज एंड हैज द किंगडम ऑफ डीमंस डिस्ट्रॉयड। अभी वो ज्ञान तो नहीं है उसमें। नाउ देयर इजंट दैट नॉलेज इन दोस स्क्रिप्चर्स। कुछ भी नहीं। नथिंग एट ऑल। बाकी हाँ हो सकते हैं। एज फॉर द रेस्ट यस इट कैन हैपन। अगर होगा ड्रामा में तो होगा। इफ इट इज इन द ड्रामा इट विल हैपन। क्योंकि जब समय होते हैं तो भी कहते ही हैं। इट इज बिकॉज व्हेन इट इज द टाइम इट इज सेड। अगर ड्रामा में होगा तो उनको साक्षात्कार होगा। इफ इट इज इन द ड्रामा दे विल हैव विजन्स। किसका साक्षात्कार होगा। हूज विजन्स विल दे हैव। अक्सर करके ब्रह्मा का और उनका होता ही है। Mostly they have the visions of Brahma or the visions of that one.
तो ऐसे जब नामी ग्रामी जो होते हैं ना, तो उनका अटेंशन देते हैं बाप। सो द फादर गिव्स अटेंशन टू दोस हु आर फेमस। और अटेंशन देते हैं, ही गिव्स अटेंशन टू देम। यूं तो बाप तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। Nevertheless, the father just sits. बच्चों को जैसे कि दृष्टि देते रहते हैं। And he keeps giving drishti to the children. दृष्टि देते रहते हैं कि तुम्हारा पाप कट जावे, सारा पाप कट जावे। He keeps giving them drishti so that their sins are destroyed. All their sins are destroyed. और तुम वैकुंठ के मालिक बनो। एंड दे बिकम द मास्टर्स ऑफ वैकुंठ। और तुम भी बच्चे ये जानते हो, समझते हो कि बरोबर हम मालिक बनने वाले हैं। एंड यू चिल्ड्रन नो, यू अंडरस्टैंड, ट्रूली वी आर गोइंग टू बिकम द मास्टर्स। तो मालिक बने की खुशी तो बच्चों को है ना। So, the children certainly have the happiness of becoming the masters, don't they? अभी खुशी ही बच्चों को है जबकि विचार सागर मंथन करते रहे। Now, they have happiness as long as they keep churning the ocean of thoughts. जैसे बाबा ने तुमको समझाया ना सुबह को, देखो तुम तार तो देते हो परंतु उन तार को करेक्ट करने के लिए, जस्ट लाइक बाबा हैज एक्सप्लेन टू यू इन द मॉर्निंग, लुक यू डू सेंड द टेलीग्राम्स बट इन ऑर्डर टू करेक्ट देम, नहीं तो फिर कितनी बड़ी बड़ी तारें देनी पड़ती हैं। अदरवाइज वेरी लॉन्ग टेलीग्राम्स हैव टू बी सेंड। उसमें कितना खर्चा होता है? अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इट। कभी तो खर्चा करते हैं और तार है पहुंचते भी नहीं है। Sometimes the telegrams don't reach people despite spending money. समझे? Understood. वो भी गुम कर देते हैं पैसे या पता नहीं क्या करते हैं। They even lose the money or don't know what they do. तो कितनी बड़ी तारें देनी पड़ती हैं। So such long telegrams have to be sent. तो ये तारे भी देखो तुम्हारे से राय लेते हैं कि बच्चे करेक्ट करो। These telegrams too, look, he takes opinion from you. Children, correct it. अपनी बुद्धि का विचार सागर मंथन चलाओ। Churn the ocean of thoughts within your intellect. अच्छा भाई, कोई यहाँ जो पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, अच्छा उनको देते हैं। अच्छा, here he gives it to those who are educated, those who are good at English. क्योंकि वो भी तो जानते हैं कि बरोबर हम, इट इज बिकॉज दे डू नो दैट ट्रूली वी, भले ये लड़ाई है वो लोग समझ तो नहीं सकते हैं। Although it is a war, those people can't understand it. किस लड़ाई के अंदर पीस जरूर है। There is certainly peace involved in this war. Incognito peace ही है इनमें। There is definitely incognito peace in it. तो लड़ाई के अंदर भाई पीस है, मर्ज हुई पड़ी है। So there is peace involved in the war. It is merged in it. तो अक्षर ऐसे उनको लिखें कि लड़ाई के बाद ही वर्ल्ड में पीस स्थापन होनी है। You should write such words for them. Peace will be established in the world only after this war. तो जैसे किस लड़ाई में पीस मर्ज है,
It is as if peace is merged in this war. जो जो इतने सभी समझते हैं पीस कैसे स्थापन हो? All those who think, how will peace be established? तो ये तो तुम बच्चे जानते हो. You children do know that. और तो कोई नहीं जानते हैं. No one else knows it. तो इनको कैसे समझावे? So how will you explain to them? तो भाई लिखें कि इसमें ये पीस डिसगाइज्ड है, यानी गुप्त है. सो यू शुड राइट पीस इज डिसगाइज्ड मीनिंग हिडन इन इट. पीस है इनमें. देयर इज पीस इन इट. क्योंकि विनाश के बाद ही तो पीस होनी है सारी दुनिया में. It is because there will be peace in the entire world only after destruction. बाबा ने समझाया है कि पीस तो इसे कोई कहा जाता है. जहां पीसलेस में है वो है शांति. बाबा has explained where people are peaceless, it is only there that peace is mentioned. It is peace. और जहां अशांति है वहां तो शांति कैसे? एंड वेयर देयर इज रेस्टलेसनेस हाउ विल देयर बी पीस देयर? तो ये तो समझते हैं ना कि शांति धाम अलग है. सो दे सर्टेनली अंडरस्टैंड डोंट दे दैट द अबोड ऑफ पीस इज डिफरेंट. और तुम बच्चों को ये समझाया गया है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है और दुख धाम अलग है. एंड यू चिल्ड्रन आर एक्सप्लेन्ड दैट द अबोड ऑफ पीस इज डिफरेंट, द अबोड ऑफ हैप्पीनेस इज डिफरेंट एंड द अबोड ऑफ सोरो इज डिफरेंट. तो अभी ये उनको बैठ करके कैसे समझावे? नाउ हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट टू देम? तो बाबा ने कहा ना कि उनको लिखा गया है. बाबा हैज सेड हैजंट ही इट हैज बीन रिटन टू देम. जबकि आते हैं ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए. व्हेन दे कम फॉर द ओपनिंग सेरेमनी उनको क्यों बुलाते हैं? व्हाई डू यू कॉल देम? कोई ब्राह्मण तो नहीं है. दे सर्टेनली आरंट ब्राह्मिंस. नहीं. नो. वो तो ओपनिंग करने वाले शूद्र ही हैं. Those who do the opening are certainly shudras. परंतु आजकल उनकी बड़ी महिमा है. But nowadays they are very famous. तो वो आएंगे. वो बहुत आएंगे. So they will come. Many will come. आएंगे कोई हम जानते हैं. ये कोई समझते नहीं है. We know that they will come, but they don't understand. फिर भी इनके आने से तो अखबार में तो पड़ेगा भाई. Still when they come, it will be published in the newspapers. इनका ये क्या इसको कहा जाता है? वर्ल्ड प्रदर्शनी या म्यूजियम? What is it called? The world exhibition or museum? किसी ने कुछ कहा. हाँ. Someone said something. Yes. तो क्या है जो ऐसे बड़े बड़े आदमी भी आते हैं? What is it that even big people go there? तो बड़े बड़े आदमी भी आते. So the big people also come here. बड़े आदमियों का तो कुछ आवाज भी तो खड़ा होता है ना बच्चे? द वॉइस ऑफ द बिग पीपल सर्टेनली रीचेस एवरीवेयर डजंट इट चिल्ड्रन? तो इनके पास ऐसे ऐसे भी आते. सच पीपल आल्सो गो टू देम. तो वो जो समझते हैं कि ये इनकी ग्लानी है बहुत ही. दे थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफेमेशन अबाउट देम. जिस कारण बच्चों को बंद में न पड़ जाते.
चिल्ड्रन हैव टू एंड्योर बॉन्डेज बिकॉज ऑफ इट। अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। एट्रोसिटीज आर कमिटेड ऑन द वीक वुमेन। तो उनको कैसे अत्याचार से छुड़ावे? ये युक्तियां हैं, है तो नथिंग न्यू। सो दीज आर द टैक्टिक्स अबाउट हाउ टू मेक देम फ्री फ्रॉम अट्रोसिटीज। इट इज सर्टेनली नथिंग न्यू। बाप फिर भी कहेंगे ये युक्तियां कल्प कल्प युक्तियां जो रची जाती हैं। नहीं तो वो कहते हैं ये बड़े आदमी। स्टिल द फादर विल से द टैक्टिक्स दैट आर डिवाइज्ड एवरी कल्पा अदरवाइज दे से दैट दीज आर बिग पीपल। तो ये ज्ञान तो गरीबों को ही देना चाहिए। दिस नॉलेज शुड बी गिवन ओनली टू द पुअर। उन बिचारे गरीबों को भी तो देना चाहिए। इट शुड सर्टेनली बी गिवन टू दोस पुअर वंस एज वेल। देना तो गरीबों को चाहिए और मिलना भी गरीबों को ही है। इट शुड बी गिवन टू द पुअर एंड द पुअर देमसेल्व्स विल रिसीव इट। वो कहते भी ठीक हैं। दे सर्टेनली स्पीक द ट्रूथ। क्योंकि बाप भी कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं। द फादर डज से आई एम गरीब निवाज मीनिंग द फ्रेंड ऑफ द पुअर। कोई साहूकार निवाज तो नहीं हूं। आई एम नॉट द फ्रेंड ऑफ द रिच। परंतु उन साहूकारों के आधार से ये गरीब भी तर जाएंगे ना। बट दिस पुअर विल ऑल्सो गो अक्रॉस विद द सपोर्ट ऑफ द रिच वोंट दे। और वो साहूकार नहीं तरेंगे। दोज रिच वोंट गो अक्रॉस। गरीब तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। द पुअर विल गो अक्रॉस। तो इसलिए ये सभी इतना करते हैं। दिस इज वाई ऑल दिस इज डन। नहीं तो कई कहेंगे क्यों भला इतना खर्चा करते हो। अदरवाइज मेनी विल से व्हाई डू यू स्पेंड सो मच। इनके लिए करते हो क्या? डू यू स्पेंड फॉर दीज वंस। इन बड़े बड़े आदमियों को बुलाने के लिए इतना खर्चा करते हो। डू यू स्पेंड सो मच टू कॉल दीज बिग पीपल। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। फोर्थ पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास स्टेटेड 28/11/1968। क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू इट? ये गांवड़े में क्यों नहीं जाते हो? व्हाई डोंट यू गो टू विलेजेस? तो वो तो राय देते रहेंगे। सो दे विल कीप गिविंग ओपिनियंस। और वो राय को खुद नहीं लेंगे, राय देते रहेंगे। एंड दे देमसेल्व्स वोंट टेक ओपिनियंस, दे विल कीप गिविंग देम। कैसे भला गरीबों को क्यों नहीं देते हो? व्हाई डोंट यू गिव इट टू द पुअर? अभी गरीबों को ज्ञान नहीं देते। वेल यू डोंट गिव नॉलेज टू द पुअर। तो बाप भी समझते। इवन द फादर अंडरस्टैंड्स दैट। हम गरीबों के कारण है इनको ये सभी बुलाना पड़ता है, करना पड़ता है। वी हैव टू कॉल देम दैट इज द बिग पीपल एंड डू ऑल दिस फॉर द पुअर। तो गरीब भी बेचारे समझें कि हाँ ये कोई बड़ी संस्था है, अच्छी है। वी कॉल देम सो दैट द पुअर ऑल्सो थिंक दैट यस दिस इज सम बिग नाइस इंस्टीट्यूशन। इसलिए बाप उनको बुलाते हैं। दिस इज वाई द फादर कॉल्स देम। और ये जो उनकी बड़ों बड़ों की ओपिनियन है, द ओपिनियन ऑफ द बिग पीपल। तो ओपिनियन होगी तो ये जो बड़े आदमी हैं। इफ दे गिव द ओपिनियन दे आर बिग पीपल। तो उनका आवाज किया हुआ है ना अखबारों में। So they have spread the voice through newspapers, haven't they? बड़े आदमी सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं। The big people hear it, they read it a lot. वो कोई गरीब नहीं। The poor don't. तो वो सुनने से उनका आवाज उठते हैं।
दे रेज देयर वॉइस आफ्टर हियरिंग इट. तो गरीबों को मालूम पड़ता है. सो द पुअर कम टू नो ऑफ इट. ठीक है ना. इट इज राइट इजंट इट. अब गरीबों की तो कोई बात नहीं सुनते. वेल नो वन लिसन्स टू द पुअर. साहूकारों की बात सुन लेते हैं. दे लिसन टू द रिच. तो साहूकार ये देखो अपनी माइयों को कितना बंद करके रखते हैं. लुक द रिच कीप देयर वाइव्स इन सो मच बॉन्डेज. बिख के न देने के कारण कितने हंगामा. दे क्रिएट सो मच कमोशन बिकॉज दे दैट इज देयर वाइव्स डोंट गिव पॉइजन टू देम. तो ऐसे ऐसे बड़े आदमियों को समझाएंगे जिन जिन के हाथ में पावर है कि भाई ये पवित्रता तो जरूर होनी चाहिए. सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू सच बिग पीपल हु हैव पावर इन देयर हैंड्स ब्रदर प्यूरिटी सर्टेनली नीडेड. और ये पवित्रता से ही तो ये उनको ऐसा समझाना चाहिए कि प्योरिटी से ही करेक्टर भी सुधरते. ओनली थ्रू प्यूरिटी यू शुड एक्सप्लेन टू देम द कैरेक्टर इज रिफॉर्म्ड ओनली थ्रू प्यूरिटी. ये भी काम होते हैं और प्योरिटी से पीछे मनुष्य सृष्टि भी बढ़ेगी नहीं. दीज टास्क आर अकम्प्लिश्ड एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड वॉन्ट इंक्रीज थ्रू प्यूरिटी ईदर. मनुष्य सृष्टि एकदम जैसे वो हो जाएगी मुठ भर. द ह्यूमन वर्ल्ड विल टर्न टू जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल. अभी तो देखो दुनिया में इतने इतने है ना ढेर. पीछे मुठ भर हो जाएगी. नाउ लुक देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एंड लेटर देर विल बी ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल. तो ये भी उनको समझाना पड़े ना. सो यू हैव टू एक्सप्लेन इवन दिस टू देम डोंट यू. जो वो लोग समझें कि हाँ ये ठीक है. यू हैव टू एक्सप्लेन सो दैट दे थिंक दैट यस दिस इज राइट. इसी अखबार वाले भी डालें कि हाँ फलाने गए थे. लेटर द जर्नलिस्ट विल ऑल्सो पब्लिश दैट यस सो एंड सो पीपल वेंट देयर. कि वहां यही समझाते हैं. देयर दे एक्सप्लेन जस्ट दिस. ये विनाश के बाद ये पीस होगी. देयर विल बी पीस आफ्टर डिस्ट्रक्शन. और ये विनाश ही पीस का कारण है. दिस डिस्ट्रक्शन अलोन इज द रीजन ऑफ पीस. समझा. यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू. तो देखो विनाश होते हैं तो दुनिया में कितनी शांति. मनुष्य का शरीर है. सो लुक आफ्टर डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस देर विल बी सो मच पीस इन द वर्ल्ड. देर इज द ह्यूमन बॉडी. कहां आत्मा निकल जाती है तो उस घर में वो जैसे सन्नाटा छा जाता है. व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी देर इज डेड साइलेंस इन दैट हाउस. एक जब भी कोई जाते है ना तो जैसे सन्नाटा देखने में आते. व्हेन समवन डिपार्ट्स We feel the dead silence. तो ये भी तो ऐसे ही होगा ना. So the same will happen here as well, won't it? जैसे सन्नाटा हो जाएगा. It is as if there will be dead silence everywhere. बाकी थोड़ी जाएगी. As for the rest, few souls will go there. परंतु वहां जब बाबा होंगे तब ये बातें तो ध्यान में नहीं होंगी ना. But you won't remember these concepts when Baba is present there, will you? ये तो समझ की बात है बरोबर. This is certainly a point to understand. अरे सत्युग में तो कितना सन्नाटा है. अरे there is so much silence in the golden age. और वहां कितने होंगे. And how many people will be there? थोड़े मनुष्य. There will be few human beings. कलि युग में तो देखो कितना ढेर के ढेर हैं एकदम. Look, there are so many people in the Iron Age.
तो सन्नाटा माना ही शांति। That silence itself means peace. तो शांति का भी तो सब समझाना पड़ता है ना, देखो। Look, he certainly has to explain all about peace, doesn't he? जब बड़े समझे, अखबार में पढ़े और बड़े आदमी अखबार में कुछ भी डाले तो वो तो डाल देंगे। When big people understand, when it is published in newspapers, and when big people publish something in newspapers, they, that is the publishers, will publish it. गरीब आदमी कोई अखबार में डाले तो नहीं डालेंगे। If a poor person wants to publish something in the newspaper, they, that is the publishers, won't have it published. अब तुम लोग कुछ भी खबरें डालो तो नहीं डालेंगे, देखो। Look, if you want to publish some news, they won't publish it. Times of India के पास जाओ तो बोलेंगे हमको फरमान है कि ब्रह्मा कुमारियों का कोई भी लेख नहीं लिखना। If you go to the journalists of the Times of India, they will say, we have been given orders not to publish any articles of the Brahma Kumaris. भले वो पैसा भी देवे तो भी नहीं लिखना, समझे? Even if they, that is the Brahma Kumaris, give money, we shouldn't publish it. You have understood, haven't you? उनके वो एडिटर है, वो रिपोर्टर्स वगैरह है, वो ऐसे कहते हैं। The editors, reporters and so on say that. उनको एकदम लिखा हुआ है। They have been strictly given the order. मैं समझता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया ही है शायद। I think probably it's the Times of India. तो किसी ने कहा राजधानी, हाँ। Someone said राजधानी, yes. तो उनके रिपोर्टर्स भी ये सब सुनाते हैं। Their reporters also say all that. कि उनके पास ये जैसे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है। As if they have received the government's order. बाकी ऐसे कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर जा नहीं सकते। As for the rest, the government can't pass any of such order. परंतु हो सकते हैं, क्योंकि फिर भी तो ला मुजीब तो ये भी तो मायावी गवर्नमेंट है ना। But it is possible because according to the law, this is the deceptive government, isn't it? वो गवर्नमेंट तो दो। There are certainly two governments. मायावी गवर्नमेंट और ईश्वरीय गवर्नमेंट। One is the deceptive government and other is the ईश्वरीय गवर्नमेंट। ये समझाया तो जाता है ना। ईश्वरीय गवर्नमेंट को कहते हैं पांडव गवर्नमेंट। It is certainly explained that the ईश्वरीय गवर्नमेंट is called the पांडव गवर्नमेंट। तो देखो, पांच पांडवों की गवर्नमेंट। So look, it is the government of the five Pandavas. और अभी कौरव तो कहा ही जाता है कांग्रेस को, कौं कौं की रेस। Well, the Congress is certainly called Kaurav, those who participate in the race of Kauving. तो वो जो पांच हैं। So those five, पंच प्रमाण, पंच प्रधान, पंच ये पावे धरग हमान, पंच प्रमाण, पंच प्रधान, पंच ये पावे धरग हमान, ऐसे सिख कहते हैं ना। The Sikh say that, don't they? देखो, ये है ना ऐसे। Look, it is like this, isn't it? तो पौड़ी भी एक है। So it is a verse. तो ये है भी पांच पांडव। So
देयर आर द फाइव पांडवास। और तुम पांडव संप्रदाय ही हो। एंड यू आर सर्टेनली द कम्युनिटी ऑफ पांडवास। ये कहो पांडव सेना हो। और कॉल इट द आर्मी ऑफ पांडवास। पांडव और कौरवों की सेना तो शास्त्रों में गाई जरूर हुई। द आर्मी ऑफ द पांडवास एंड द कौरवास इज सर्टेनली फेमस इन द स्क्रिप्चर्स। तो तुम तो है रूहानी सेना। सो यू आर सर्टेनली द स्पिरिचुअल आर्मी। और वो है जिस्मानी सेना। एंड दैट इज द फिजिकल आर्मी। तो बाप बैठे करके ये राज समझाते हैं ना बच्चे। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दिस सीक्रेट डजंट ही चिल्ड्रन। तो बच्चों को एक तो ये धारणा करनी चाहिए और दूसरा बाप कहते हैं यहां भी बैठे रहो या चलते फिरते रहो और मुख से भले बाप भी न कहो। फर्स्ट द चिल्ड्रन शुड असिमिलेट दिस एंड द सेकेंड थिंग द फादर सेज इज इवन इफ यू आर सिटिंग हियर और मूविंग अराउंड एंड डोंट से द फादर थ्रू द माउथ। क्योंकि बाप भी एक लौकिक हो जाते हैं कामन। इट इज बिकॉज वन इज द लौकिक फादर। वो नहीं। नॉट दैट वन। बाबा भी है टीचर भी है हमारा गुरु भी है सुप्रीम। He is Baba, the teacher, as well as our supreme guru. ये तीनों ही याद करेंगे तो तुम्हारा पाप भी कटते जाएंगे। If you remember all the three, your sins will also be destroyed. तो एक नहीं है। So he isn't just one. एक से कोई नहीं है, तीन है। He isn't one, he is three. ये wonderful है ना बात। It is a wonderful concept, isn't it? कि है एक ही। So we incorporeal father. He is just one, and that too, he is the incorporeal father. और incorporeal father उसको ही फिर teacher, supreme teacher. And the incorporeal father himself will be called the teacher, the supreme teacher. तो मनुष्य तो बेचारे कहेंगे वो तो incorporeal है। So the poor human beings will say he is certainly incorporeal. वो कैसे पढ़ाए सकेंगे? How can he teach? तो फिर वो गाते भी हैं कि भाई वो knowledgeful है। Then they also say That he is knowledgeful. क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। Because he doesn't come in the cycle of birth and death. तो बाकी इस दुनिया में तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। As for the rest, all the human beings in this world come in the cycle of birth and death. तो वो बात अभी उनको तो मालूम ही नहीं है। So now they just don't know. कि बेहद का बाप क्यों नॉलेजफुल है। Why is the unlimited father knowledgeful? वो तो समझते हैं कि वो जानी जाननहार है। They do think that he is jani jananhar, that is the one who knows everything. सबके अंदर की जानने वाला है। He knows what is inside everyone. अच्छा ये कहते हुए भी फिर भी कह देते हैं ठिकर मित्र में। अच्छा डिस्पाइट सेइंग दैट दे से ही इज इन लम्प्स ऑफ सॉइल एंड वॉल्स। अब देखो वो जैसे कि सच सच पत्थर बुद्धि। नाउ लुक इट इज लाइक दे ट्रूली हैव अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। जो कुछ बोलते हैं कुछ भी उनमें समझ नहीं है बेसमझी। दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट दे से दे आर फूलिश। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का पांचवा पेज। Fifth page of the morning class dated 28/11/1968। तीसरी लाइन। तो बेसमझ।
और समझ का कंट्रास्ट है। थर्ड लाइन, सो इट इज अ कंट्रास्ट बिटवीन फूलिशनेस एंड इंटेलिजेंस। ये कंट्रास्ट है ना? इट इज अ कंट्रास्ट, इजंट इट? तो कहां तुम बेसमझ थे? यू वर फूलिश सम टाइम। अभी कहेंगे ना बेसमझ है, वो बंदर मिसल थे। नाउ इट विल बी सेड, वोंट इट, यू वर फूलिश, यू वर लाइक मंकीज। अभी देखो सारे विश्व पर राज्य पहनते हो। नाउ लुक, यू अटेन किंगशिप ओवर द एंटायर वर्ल्ड। और फिर अभी सारे विश्व पर रावण का भी राज्य है। एंड नाउ देयर इज द किंगडम ऑफ रावण इन द एंटायर वर्ल्ड। अब हद की बातें तो है नहीं जो उन्होंने लिख दिया है, लंका में रावण या फलाने में। वेल, what they have written aren't limited concepts. Ravan was in Lanka or so and so place. तो बाप बैठ करके ये सभी बातें सुनाते। ओम शांति। So the father sits and narrates all these concepts. Om Shanti.